अगर हम किसी से बातें स्टार्ट करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू स्टार्ट टॉकिंग विथ समवन, तो वॉट वी नीड टू नो, हमें कुछ बेसिक पता होना चाहिए. अगर हम बेसिकली दोस्तों बात करें कि क्या क्या हमें पता होना चाहिए, तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में सेंटेंस कैसे बोला जाता है, पास्ट में सेंटेंस कैसे बोला जाता है और फ्यूचर में सेंटेंस कैसे बोला जाता है. अगर हमें ये पता है कि प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में सेंटेंस कैसे बोले जाते हैं, तो हम बड़े आराम से सेंटेंस को अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं. तो आज मैं आपको यही बताऊंगा. तो दोस्तों, बातों को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, बातों को अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं किसी के साथ, तो हमें कुछ स्पेशल वर्ड्स पता होने चाहिए. रवि यादव जी, हेलो. तो हमें कुछ स्पेशल वर्ड्स पता होने चाहिए, वो वर्ड मैं आज आपको बताता हूँ. अगर मान लीजिए आप प्रेजेंट में किसी से बातें स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट के लिए स्पेशल वर्ड हमारे पास होता है डू और डज. क्या होता है? डू और डज. डू और डज का यूज़ हम लोग दोस्तों दो तरह से करते हैं, एक तो कुछ पूछने के लिए किसी से और दूसरा मना करने के लिए. पास्ट में अगर हम बात करें तो पास्ट में हम लोग यूज़ करते हैं, पास्ट में अगर हम दोस्तों बात करें तो पास्ट में हम लोग यूज़ करेंगे डिड का. प्रेजेंट में हमने यूज़ किया किसका? डू डज का. पास्ट में यूज़ करेंगे डिड का और फ्यूचर में यूज़ करेंगे हम लोग विल का. अब मैं बताता हूँ कैसे यूज़ करेंगे. देखिए, जैसे मान लीजिए मुझे सेंटेंस किसी से पूछना है कि क्या तुम डांस करते हो, तो ये प्रेजेंट है. तो प्रेजेंट के लिए हमें क्या करना है, अपना जो यू के लिए हम यूज़ करेंगे वो डू का यूज़ करेंगे. तो हम पूछेंगे डू यू डांस. डू यू के बाद वो काम आ जाएगा जो आप पूछना चाहते हैं. जैसे मान लीजिए मुझे ही के लिए पूछना है, तो आपको पता है ही के लिए हम लोग प्रेजेंट में क्या यूज़ करते हैं? डज यूज़ करते हैं. तो ये बन जाता है डज ही डांस. अब मुझे डांस नहीं पूछना, मुझे कुछ और पूछना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं पूछूंगा डू यू स्मोक. ही के लिए पूछूंगा तो क्या पूछूंगा? डज ही स्मोक. मतलब कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सामने वाले से. नॉर्मली तो हम जानते हैं, जैसे आपने मेरे से पूछा, मैंने आपसे पूछा, हम लोग जानते हैं कि एक दूसरे को क्या है. लेकिन आगे की बात कैसे करेंगे? आगे की बात करने के लिए वी हैव टू कन्फर्म, हमें कन्फर्म करना पड़ेगा सामने वाले से. और उसी बात को कन्फर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसी बात को कन्फर्म करने के लिए हम लोग डू और डस का यूज़ करेंगे प्रेजेंट में. उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. कैसे पूछेंगे? डू यू, उसके बाद वो काम, उसके बाद डज ही, उसके बाद वो काम. यू के लिए डू का यूज़ करेंगे और किसी थर्ड पर्सन के लिए डस का यूज़ करेंगे. जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप मूवी देखते हैं? अब आप सोच के देखिए इसको कैसे बनाएंगे आप. हम बनाएंगे डू यू वॉच मूवीज. आंसर आएगा यस आई वॉच मूवी. और मना करेंगे तो आई डू नॉट वॉच मूवी. ही के लिए पूछेंगे तो क्या होगा? ही के लिए होगा डज ही वॉच मूवी. ही वॉचेज मूवी, ही डज नॉट वॉच मूवी. एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये जो हमारा स्पेशल वर्ड होता है ना, वो डू होता है. थर्ड पर्सन के लिए हम लोग उसमें ई एस लगा देते हैं और बन जाता है वो डज. थर्ड पर्सन के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं? ई एस लगा देते हैं और वो डज बन जाता है. प्लीज डोंट कन्फ्यूज. इसलिए ये रूल होता है कि अगर कहीं पर डज आ रहा है तो वहां पर वर्ब में एस या ई एस नहीं आता है, क्योंकि हम ऑलरेडी डू में ई एस लगा के डज बना चुके हैं. यही एक ये भी रीजन होता है कि हमेशा थर्ड पर्सन के साथ डज आता है. तो अब आप डू और डस का यूज करके प्रेजेंट में किसी सामने वाले की एक्टिविटी पूछ सकते हैं. सिंपल है, डू यू वो एक्टिविटी की फर्स्ट फॉर्म एंड डज ही वो एक्टिविटी की फर्स्ट फॉर्म. अब अगर हम दोस्तों पास्ट में बात करें तो पास्ट में कैसे बोलेंगे? पास्ट थोड़ा क्वाइट ईजी होता है इससे. इफ यू टॉक अबाउट पास्ट, देन वॉट वी डू इन पास्ट? इन पास्ट वी यूज डिड. वॉट इज डिड? यू मस्ट बी नोइंग, यू मस्ट हैव स्टडीड इन स्कूल, राइट? जो पास्ट होता है, पास्ट में हम डिड का यूज करते हैं. डिड जो होता है दोस्तों, वो डू की सेकेंड फॉर्म होती है. एक बात आप थंब रूल याद रखिएगा, पास्ट के लिए जब भी सेंटेंस हमें पास्ट में बोलना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस काम की जो वर्ब है उसकी सेकेंड फॉर्म कर देते हैं. तो अगर प्रेजेंट के लिए स्पेशल वर्ड डू या डज है, तो पास्ट के लिए हो जाता है डू डज की सेकेंड फॉर्म, विच इज डिड. तो सामने वाले से अगर आपको पास्ट में कुछ पूछना है, तो आप डिड का यूज करेंगे पूछने के लिए और मना करने के लिए. जैसे मैंने पूछा क्या तुम लिखते हो, ये प्रेजेंट है, डू यू राइट. इसी बात को पास्ट में बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, हम पूछेंगे डिड यू राइट. क्या तुमने लिखा था? डिड यू राइट. क्या तुम कल आए थे? डिड यू कम यस्टरडे. मैं तो कल आया था, आई केम यस्टरडे. मना करेंगे, आई डिड नॉट कम यस्टरडे. एक बात और याद रखिएगा, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, कोई सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी डिड के साथ. क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी डिड के साथ? किसी को आइडिया है आप में से? चलो मैं बताता हूँ. डिड के साथ इसीलिए सेकंड फॉर्म नहीं आएगी क्योंकि डिड खुद डू की सेकंड फॉर्म है, और एक सेंटेंस में एक बार ही सेकंड फॉर्म करते हैं, दो बार नहीं करते हैं.
तो अब तक मैंने आपको क्या बताया, जल्दी से बताता हूं। मैंने आपको बताया प्रेजेंट में सामने वाले से कैसे पूछेंगे, डू यू डांस, डज ही डांस। पास्ट में पूछेंगे डू और डज के डिड आ जाएगा, डिड यू डांस, डिड ही डांस। आंसर आएगा आई डांस्ड, आई डिड नॉट डांस। ये तो बात हुई डू डज की। अब बात करते हैं, डिड की भी बात कर ली, बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर होता है दोस्तों विल। विल और शैल का यूज हम लोग फ्यूचर में करते हैं, आपको पता है। तो अगर मान लीजिए आप किसी से बातें कर रहे हैं और आपको किसी से फ्यूचर में कुछ पूछना है, क्या तुम ये करोगे, क्या तुम वहां जाओगे, क्या तुम ये लिखोगे, तो उसको पूछने के लिए हम लोग यूज करते हैं विल का। प्लीज याद रखिएगा, अब हम लोग स्पोकन में शैल का यूज बहुत कम करते हैं, वो रिटन तक ही अब मतलब रह गया हमारा। रिटन में ही शैल का यूज होता है किसी बात को फॉर्म तरीके से कहने के लिए, कन्फर्म तरीके से कहने के लिए। फ्यूचर में अब हम सिर्फ विल का यूज करते हैं। आई हो और वी हो, आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि आई और वी के साथ शैल का यूज होता है। सही पढ़ा है, मैं गलत नहीं कर रहा हूं। लेकिन स्पोकन में दोस्तों चीजें आसान करने के लिए हम लोग सिर्फ विल का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट में हमने क्या किया, सबसे पहले डू डज लगाया, पास्ट में हमने सबसे पहले डिड लगाया, और फ्यूचर में अगर हमें कुछ पूछना, किसी से बातें स्टार्ट करनी है फ्यूचर में पूछने के लिए, तो हम लोग सबसे पहले विल लगाएंगे। कंपेयर करिए, डू यू डांस, डिड यू डांस, फ्यूचर में बनेगा विल यू डांस। नोट करने की बात है, चाहे डू हो, डिड हो या विल हो, सबके साथ कौन सी फॉर्म आती है, सबके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। डू यू प्ले, आई प्ले, आई डू नॉट प्ले। डिड यू प्ले, आई प्लेड, आई डिड नॉट प्ले। विल यू प्ले, आई विल प्ले, आई विल नॉट प्ले। तो क्या मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में सामने वाले से कैसे क्वेश्चन करते हैं। आफ्टर यूजिंग दीज मैथड, अगर आप ये मैथड आप यूज करेंगे, देन यू डू नॉट हैव टू गो फॉर टेंसेज। कई बार हमें टेंस में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो अब आपको टेंस में जाने की जरूरत नहीं है। अब इन मैथड को यूज करिए, सिंपल तरीका है। देखिए, आपको तो पता ही होगा ना किससे पूछ रहे हो। अगर आपको पता है आप यू से पूछ रहे हो तो आप पूछेंगे डू यू, आप पूछ रहे हो ही से तो आप पूछेंगे डज ही, आप पूछ रहे हो पास में तो आप पूछेंगे डिड यू या डिड ही, फ्यूचर में विल यू या विल ही। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो, से मैंने आपको बताया कि सिंपल तरीके से किसी से कैसे बातें स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल तो हम हाय हेलो तो कर लेते हैं, हमने पूछा तुम कैसे हो, मैं बढ़िया हूँ, तुम वो कैसा है, या हम पूछ लेते हैं, मतलब कर लेते हैं। लेकिन मेन बात आती है कि हाउ टू कन्फर्म, कन्फर्म करना। मैंने आज आपको बताया सामने वाले से, सामने वाला ये करता है या नहीं करता, वो करती है या नहीं करती है, उसने किया था या नहीं किया था, करेगा या नहीं करेगा, ये सब बातें मैंने आपको बताई हैं। थंब रूल याद रखना है, डू डज डिड विल सबके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, और जब भी कन्फर्म करते हैं तो डू को, डज को, डिड को या विल को सबसे पहले ले आते हैं, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जैसा आपको पूछना वैसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यही था एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद आपको वीडियो समझ में आया होगा। और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूँगा, फॉलो करते रहिए कंटिन्यू। इसके अलावा आप लोग मुझे यूट्यूब पर, मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, इंस्टाग्राम पे आपको इंग्लिश की डेली टिप्स मिल जाएंगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर कर दीजिए। जब वीडियो आप देखेंगे तो आपको नीचे शेयर का बटन आएगा, तो इसको अपने फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादातर लोगों तक ये पहुँच पाए वीडियो। सो गाइज, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो सून। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।